एपिसोड के स्टार्ट में हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर होता है वो अपने आगे ही गोली भी खा लेता है, जिसकी वजह से चॉपर होता है एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। और वो चॉपर होता है वो आपे से बाहर चला गया होता है। और यो होता है वो चॉपर को देख के बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि एक ड्राइवर, और वो कहता है कि मैं इससे हार नहीं सकता। फिर वो चॉपर के ऊपर कई सारे मूव करता है, लेकिन चॉपर को कुछ नहीं होता। और यूं ही होता है वो चॉपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी चॉपर को फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर हम देखते हैं चॉपर होता है वो अचानक से ही चिल्लाता है, जिसकी वजह से यूरी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके बाल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं चॉपर होता है वो यूरी की तरफ देखता है, और जो यूरी होता है वो सीधे चॉपर के ऊपर अटैक करता है, और चॉपर होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और चॉपर सीधे ही यूरी का काम ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकी को देखते हैं। फ्रैंकी होता है वो फकूरों को मार के चाबी को ले लेता है, और वो कहता है कि मैंने ये चाबी ले ली है, अब मुझे और आगे जाना होगा और सबकी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ नामी को, जहाँ पर नामी होती है वो खलीफा से लड़ रही होती है, लेकिन वो खलीफा को हरा नहीं पा रही होती है। और जो खलीफा होती है नानी के बाद अपने कपड़े पहनने के लिए वहाँ से उठकर चली जाती है, और वो अपने कपड़े को पहनने लगती है। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो भी उठ जाती है और कहती है कि यही समय है उसे मारने का। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो खलीफा के ऊपर अटैक करती है, मगर खलीफा होती है उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो अपने प्लान का यूज़ करके खलीफा को फंसा लेती है, और जो खलीफा होती है वो अपने एक कवच से बच जाती है, और वो कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बड़ा ही दिलचस्प था। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो देखती है कि इसने ये कैसे किया, और हम देखते हैं नामी समझ जाती है कि इसके पास एक है सोप ड्रेवल फ्रूट, मतलब एक साबुन जैसा डेवल फ्रूट। फिर हम देखते हैं नामी वो ये सारी बात खलीफा को बताती है, और खलीफा ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं खलीफा होती है वो कहती है ठीक है मैं तुम पे अभी मज़ा चखाती हूँ, और हम देखते हैं खलीफा होती है वो एक सीप सेप ले लेती है और नामी के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से नामी होती है वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं जो खलीफा का सोप होता है वो नामी की एनर्जी सोख रहा होता है, जिसकी वजह से नामी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही होती है, और खलीफा होती है वो नामी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है, क्योंकि जो खलीफा है उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है और वो CP9 की मेंबर है। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो कुछ कर नहीं पा रही होती है, और खलीफा उसके पीछे अचानक से आ जाती है, और खलीफा सीधे नामी को पकड़कर उसे कुछ करने लगती है। और हम देखते हैं जो खलीफा होती है नामी को पैर को अजीब से बना देती है, और वो नामी के पैर इतने चिकने कर देती है जिसकी वजह से नामी खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं योयो और चॉपर को, जहाँ पर चॉपर होता है वो योयो को एक और मुक्का मारता है, और योयो के सामने बहुत सारे मुक्के बरसा देता है, और जो चॉपर होता है वो बेरहम होकर योयो को मारने लगता है, और जो चॉपर होता है वो चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी होता है वो दीवार चढ़कर ऊपर जाता है, वो देखता है कि क्या हुआ। फिर हम देखते हैं चॉपर होता है वो योयो का काम ख़त्म कर देता है, और योयो को बहुत दूर फेंक देता है, जिसे देखकर फ्रैंकी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वो कहता है कि इस छोटे से डियर को क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वो चॉपर होता है वो फ्रैंकी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी होता है वो नीचे गिर जाता है, और चॉपर होता है वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम निकोरबिन को देखते हैं, जहाँ पर निकोरबिन को कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा होता है, और हम देखते हैं जो लूसी होता है वो निकोरबिन से कहता है कि चलो आगे, और स्पैंडम होता है वो कहता है कि तुम्हारा कोई भी साथी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि CP9 के सभी मेंबर उनका काम ख़त्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारा लूफी होता है वो बहुत तेज़ी से आने लगता है, और जो लूफी होता है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि निकोरबिन, जिसे सुनकर स्पैंडम की फट जाती है, और स्पैंडम बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है कि ये स्टोहेट कहाँ से आ गया, और जो स्पैंडम होता है वो डर के मारे कांपने लगता है। फिर हम देखते हैं लूसी होता है वो कहता है कि मैं लूफी को रोकता हूँ, और जो लूसी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है स्टोहेट से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से लूसी निकल जाता है लूफी से फाइट करने के लिए, और अब होने वाला है लूसी वर्सेस लूफी।
और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो लूफी के सामने खड़ा बैठा हुआ होता है, जहाँ पर लूफी होता है वो गेट तोड़ के एंटर मारता है और वो सीधे लूफी को देखकर कहता है कि ओए कबूतर वाले, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें दूसरे सीन में चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर होता है वो बिल्डिंग चढ़ रहा होता है और वो तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जहाँ पर जोरो होता है वो सोगे किंग का इस्तेमाल करके फाइट कर रहा होता है और जो सोगे किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा जोरो होता है वो सोगे किंग को तलवार बना के फाइट करने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ नामी को देखते हैं, जहाँ पर नामी होती है वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती क्योंकि उसके पैर बहुत ही चिकने हो गए होते हैं। और खलीफा होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें और भी सुंदर बना दिया और इसे तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखते हैं नामी होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंकी को देखते हैं, फ्रैंकी होता है वो चॉपर को ऊपर चढ़ते हुए देखता है और वो भी ऊपर जाने लगता है सभी की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनआई स्लॉबी में, जहाँ पर सभी जियान सभी गवर्नमेंट के लोगों को उड़ा उड़ा के मार रहे होते हैं और हम देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट का लोग कम नहीं पड़ रहे होते हैं और वो जियान के ऊपर हावी होने लगते हैं और वो लोग एक जियान को पकड़ के वहाँ पर बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गलीला कंपनी के लोग भी ये सब देख लेते हैं कि जियान पकड़े गए और हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग गलीला कंपनी और फ्रैंकी फैमिली को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पांडम को, स्पांडम होता है वो निकोरबिन को ले जा रहा होता है और वो मरीन को कॉल करता है लेकिन वो गलती से बास्टर कॉल कर देता है जिसकी वजह से निकोरबिन बताती है कि तुमने क्या कर दिया। फिर हम देखते हैं स्पांडम होता है वो देखता है कि उसने गलती से बस्टर कॉल कर दी जिसकी वजह से 10 बैटल शिप्स होती हैं, वो जल्दी से तैयारी करने लगती है और जो स्पांडम होता है वो अपनी गलती की वजह से सभी लोगों को कॉल लगाता है और वो कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि बस्टर कॉल लग गई है और यहाँ पर सभी एरिन और गवर्नमेंट के लोग आने वाले हैं और ये शहर पूरी तरीके से तबाह होने वाला है, मतलब एनएस लवी पूरी तरीके से ब्लास्ट होने वाली है जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट के लोग डरने लगते हैं। और हम देखते हैं जो स्पांडम होता है वो माइक ऑफ करना भूल जाता है जिसकी वजह से वो निकोरबिन से कहता है कि चिंता मत करो मैं तो यहाँ से बच के निकल जाऊँगा और दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं, सभी मरीन के लोग मारे जाए मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं सभी मरीन के लोग ये सारी बात सुन लेते हैं और निकोरबिन होती है वो कहती है कि बस्टर कॉल मतलब मौत की दावत, जो भी बस्टर कॉल आती है वहाँ पर राख बचती है और कोई भी इंसान नहीं बचता। फिर हम देखते हैं सभी गवर्नमेंट के लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और माइक होता है वो फ़ोन का ऑन होता है जिसकी वजह से सभी मरीन के लोग होते हैं स्पांडम की सारी सच्चाई मालूम पड़ जाती है और वो लोग कहते हैं कि ये क्या है। और जो स्पांडम होता है वो फ़ोन को देखता है, वो देखता है कि उसने फ़ोन ही बंद नहीं किया जिसकी वजह से सभी मरीन के लोगों को ये बात पता चल गई है और स्पांडम होता है वो कहता है कि मैं तो झूठ कहा। फिर हम देखते हैं निकोरबिन होती है वो चिल्ला के बोलती है कि सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाओ क्योंकि अगर गवर्नमेंट के लोग 10 बैटल से लेके आ गए तो यहाँ पर सभी मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं जो CP9 के मेंबर्स होते हैं वो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोग अभी भी लड़ रहे होते हैं और जो सारी मरीन के लोग होते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं होता। और हम देखते हैं वो 10 बैटल शिप के आने से पहले वहाँ से निकलने की सोचते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं फ्रैंकी और गलीला कंपनी के लोगों को, वो लोग बंधे हुए होते हैं क्योंकि सभी गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो फ्रैंकी और गलीला कंपनी लोगों को बांध देते हैं। और हम दूसरी तरफ निकोरबिन और स्पांडम को देखते हैं, जहाँ पे स्पांडम होता है वो निकोरबिन को मार रहा होता है और हम देखते हैं जो स्पांडम होता है वो निकोरबिन को उठाता है और कहता है कि मैं तुझे गेट ऑफ जस्टिस ले जाकर ही रहूँगा जिससे तुझे सजा मिल सके। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर लूफी होता है वो लूसी से बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करने लगता है और जो लूफी होता है और जो लूसी होता है उन दोनों की टक्कर बहुत ही ज़्यादा खड़ी चल रही होती है क्योंकि उन दोनों के पास बहुत खतरनाक पावर्स होती हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है। नंबर 295 के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ पर स्पांडम होता है वो निकोरबिन को मार रहा होता है और कहता है कि मैं तुझे गेट ऑफ जस्टिस ले जाकर ही रहूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर लूफी होता है वो अभी भी लूसी से फाइट कर रहा होता है और वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से लूफी होता है वो बहुत ही खतरनाक मूव्स करता है, वो अपने सभी अटैक करता है
जो कि उसे अब तक आते हैं। और जो हम देखते हैं लूसी भी बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा होता है, और जो लूफी और लूसी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, क्योंकि लूसी होता है वो एक सी नाइन के मेंबर होता है और वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जो लूफी है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। और हम देखते हैं जहाँ पर जो लूफी और लूसी फाइट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं मरीन के लोग भाग रहे होते हैं, और जो चिमनी होती है वो सब कुछ देख रही होती है कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। और चिमनी होती है वो अपनी कुरोको सैन दादी को बताती है कि स्टोहेड भैया ने एक गेट तोड़ा जिसकी वजह से वो बहुत छोटे हो गए, और सभी बातें बता रही होती है जो कि अब तक उसने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर खलीफा होती है वो नामी के करती है, जिसकी वजह से नामी होती है वो पूरी तरीके से फंस जाती है, और खलीफा होती है वो नामी को इतना चिकना बना देती है जिसकी वजह से जो नामी होती है वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। और खलीफा होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें कितना सुंदर बना दिया, देखो तुम कितना ज़्यादा ग्लो कर रही हो। और नामी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि नामी बिल्कुल भी लड़ नहीं पा रही होती। फिर हम देखते हैं खलीफा होती है और नामी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन नामी भी अपने एक टेक्निक से वेव को बना रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉपर होता है वो वहीं पर आ जाता है, और वो दीवार तोड़ के जैसे ही आता है नामी उसे देख के बहुत ही चौंक जाती है कि ये क्या है। दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जोरो होता है वो सोगेकिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा उसप मतलब सोगेकिंग होता है उसकी जो टर्की हमारे बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि सामने दो खतरनाक जानवर हैं। और हम देखते हैं वो जोरो से कहता है कि मान जाओ जोरो मैं मर सकता हूँ, लेकिन जो जोरो होता है वो कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम एक सोगेकिंग तलवार हो, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। जो हमारा सोगेकिंग होता है वो जोरो की चालाकी में फंस जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं भी एक तलवार हूँ, और वो लड़ने लगता है उन लोगों की वजह से, लेकिन वो जोरो की चाल समझ जाता है और जोरो के ऊपर वो चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं, नामी होती है वो चॉपर को पहचान लेती है और वो बोलती है चॉपर, और हम देखते हैं नामी समझ नहीं पा रही होती कि चॉपर ये कैसा हो गया। और हम देखते हैं जो खलीफा होती है वो चॉपर से लड़ने लगती है, लेकिन जो नामी होती है वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त को चोट मत पहुंचाओ। और हम देखते हैं चॉपर होता है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो जाता है, और चॉपर नामी के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन नामी वहाँ से डॉज कर लेती है। फिर हम देखते हैं नामी के ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करता है चॉपर, और पूरे पुल को उठा के नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से चॉपर होता है वो वहाँ से चला जाता है और हर तरफ पूरे कमरे में तबाही मचा के चला जाता है। और हम देखते हैं नामी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती ये चॉपर कैसा हो गया। फिर हम देखते हैं जो खलीफा होती है वो नामी के ऊपर अटैक करती है, और नामी होती है वो देखती है कि उसका एक पैर ठीक हो गया, और वो समझ जाती है कि पानी की वजह से वो सोप धुल गया, जिसकी वजह से नामी होती है वो चल पा रही होती है। और हम देखते हैं नामी होती है वो समझ जाती है कि पानी इसका तोड़ है, और हम देखते हैं नामी होती है वो पानी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन खलीफा नामी को पानी के पास जाने नहीं देती, लेकिन जो हमारी नामी होती है वो हार नहीं मान रही होती है, और नामी होती है वो अपना एक स्पेशल मूव करती है और वो हवा में बादल बनाती है, जिसकी वजह से जो खलीफा होती है वो नामी को रोकने के लिए जाती है और सीधे नामी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो नामी होती है वो बारिश कर देती है और नामी पूरी तरीके से खलीफा के अटैक से बच जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। और नामी होती है वो अपने क्लोन बनाती है और सीधे खलीफा के ऊपर अटैक कर देती है, और यहीं पर ही एपिसोड एंड होता है।